मेरी शादी होगी तो हम लोग जमशेदपुर में थे, तो किसी रीज़न की वजह से मेरे हस्बैंड को जॉब क्विट करना पड़ा। उन्होंने मतलब पर्सनल रीज़न था कि हम अब जॉब क्विट करते हैं और कुछ करते हैं। तो देन हम लोग दो साल पहले सोचा कि हाँ ट्रेडिंग करेंगे, दो साल से हम लोग ट्रेडिंग कर ही रहे थे। आप ज्यादा कमाती हैं, आपके हस्बैंड ज्यादा कमाते हैं? ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्या बात है। पाँच साल से ट्रेडिंग कर रही हूँ। पाँच साल से ट्रेडिंग कर रही है। पहले स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉफिट हो गया, हाँ। बाद में लॉस होने लगे। आप एक महिला हैं, छह महीने आपने सीखने की कोशिश की होगी, सुनिएगा ये सवाल मैं आप लोगों की तरफ से पूछ रहा हूँ। आप एक महिला हैं, छह महीने आपने सीखने की कोशिश की होगी, जाहिर सी बात है जैसा जैसे सबको पहले महीने कुछ नहीं समझ में आता है, आपको भी नहीं आया होगा। वहां क्या सोचा आपने, कैसा फील किया? मैं आप सभी लोगों से एक बार बात करूंगा, सभी लोगों से एक एक करके, कि क्या चल रहा है आपके जीवन में और कैसे आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कोशिशों के बारे में बताएं, और अभी कैसा था पहले जीवन और अभी कैसा चल रहा है, कहां से शुरू करें बताइए। कौन पहले बताना चाहेगा? मैं कुछ सर्च कर रही थी तो मुझे कुछ ट्रेड्स दिखे जो कि एक विमेन एम्पावरमेंट की तो लोग बात करते हैं, बट ये एक ऐसा जोन है जहां पे मेजरली मेंस है। तो वो एक था कि कुछ ऐसी चीज है जहां से आपका घर भी मैनेज हो जाए, जो वहां भी आपका सफर ना करना पड़े, मुझे किसी और के लिए नहीं काम करना, मुझे अपने लिए काम करना है, वो एक मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था। बस वही एक चीज थी जो मुझे ट्रेडिंग की जर्नी में एक महीने पहले और अभी में क्या चेंजेस हैं, क्या बदलाव हैं? क्या बदलाव हैं सर, पहले यूट्यूब्स पे देखते थे कि ये वाला सेटअप है, ये सेटअप है, बट समवेयर कुछ मिसिंग था, कुछ एक कुछ फाइंडिंग जोन में अगेन वही था। बट आपकी जो सर्च हुई, मेरे हस्बैंड ने देखा कि क्योंकि उन्हें लगता था कि कभी भी कुछ भी चेंज हो जाता है, कुछ डेटा से रिलेटेड मुझे चाहिए, कुछ डेटा से रिलेटेड मुझे चाहिए। उनका उन्होंने आपको का देखा एंड ही वॉज वेरी इंस्पायर्ड। मैंने बोला अब किसको लेके आए हो आप, आई रियली आस्क्ड हिम अब ये कौन है। तो आपके वीडियोज में देखती थी, सुनती थी, चलते फिरते, बिकॉज मैं अपने ही उसमें करती थी। बट जब मैंने वो चीज़ देखी, डेटा कहाँ से कैसे रिवर्स हो रहा है, वो डॉट टू डॉट, एंड सेकेंडली जो आपका डैडीज इन्वेस्टिंग है, जो नाम था वो कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रहा था कि एज अ पेरेंट कौन आके आपका हाथ पकड़ने को तैयार है अलॉन्ग विद डेटा। तो वहाँ वो चीज़ वहाँ से मुझे इंस्पायर करी। और उस टाइम पे ये था कि कहीं पे भी ट्रेड ले लिया, कुछ भी ले लिया, ऑल्दो मैं अभी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उसमें नहीं करती हूँ, बिकॉज अब मैं थोड़ा सा एलटीपी में स्पेशली लर्निंग फेज में हूँ। तो हाँ, काफ़ी चेंजेस हुआ, साइकोलॉजी स्पेशली मेरी काफ़ी चेंज हुई। अगला कौन बात करना चाहेगा बताएं? सर मेरी जर्नी में ये स्टार्ट हुई थी जब मैं 11th क्लास में थी, मेरा कॉमर्स फील्ड था, तो मुझे तब से पता था स्टॉक मार्केट नाम की कोई चीज़ होती है। तो देन मैंने सोचा था कि जब मैं बुढ़ापा में कभी जाके ट्रेडिंग करूंगी आराम से बैठकर। तो अभी बूढ़ी हो गई आप? नहीं सर, मुझे नहीं पता था मेरा बुढ़ापा इतने जल्दी आता है। सही है, हाँ। तो फिर यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर बीच में एजुकेशन वगैरह चलता रहा, देन मेरी शादी होगी मैं तो हम लोग जमशेदपुर में थे, तो किसी रीज़न की वजह से मेरे हस्बैंड को जॉब क्विट करना पड़ा। उन्होंने मतलब पर्सनल रीज़न था कि हम अब जॉब क्विट करते हैं और कुछ करते हैं। तो देन हम लोग दो साल पहले सोचा कि हाँ ट्रेडिंग करेंगे, दो साल से हम लोग ट्रेडिंग कर ही रहे थे, लेकिन फिर हस्बैंड को पता चला इन्वेस्टिंग डैडी के बारे में, तो उन्होंने बताया कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें, इसको करके देखते हैं, इसमें अपन को प्रॉफिट होगा ही होगा, ये डॉट टू डॉट देता ही देता है। तो कितना टाइम हो गया आपको कम्युनिटी में? सर हम लोग सितंबर से थे। सितंबर से और हाँ। अभी तक आप लोग दोनों लोग कर रहे हैं ट्रेड्स वगैरह? हाँ सर, दोनों। कितना बदलाव आया जीवन में, क्या बदलाव आया? पहले तो ये था कि जब ग्रीन कैंडल देखते थे, हाँ। यहाँ से ऊपर जा रहे खरीद लेते ये वाली सिचुएशन थी, बट अब कंट्रोल हो चुका है कि हाँ भाई अपने लेवल का। कौन ज्यादा कमाता है, आप ज्यादा कमाती हैं, आपके हस्बैंड ज्यादा कमाते हैं? सर ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्या बात है। पता चले घर जाके लड़ाई हो जाए, तुम ये मतलब आप ज्यादा कमा, आंसर दे दिया, ये स्मार्ट आंसर है, जोरदार तालियां भाई साहब। मैं पांच साल से ट्रेडिंग कर रही हूँ। पांच साल से ट्रेडिंग कर रही है। पहले स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉफिट हो गया, हाँ। बाद में लॉस होने लगे। अच्छा, तो मैं भी कारण ढूंढती रहती थी कि क्या मुझे, तो भगवान से दुआ करती थी कि मुझे ये डिटेल सीखना है, हाँ। लेकिन आपसे मिला दिया भगवान ने। कितना टाइम हो गया आपको कैलकुलेटर सीखते हुए? अभी छह महीने हो गए। छह महीने में कितना बदलाव आया आपके ट्रेडिंग स्टाइल में? पिछला 4.5 साल और वो 6 महीने, बहुत बदलाव आया। मतलब अभी ट्रेड कहाँ से लेना है और कहाँ तक करना है, तो हम लोग जब 4 मैजिकल लाइंस खींचते हैं, बहुत सारी लाइंस वहाँ जाती है, आपके पास पेशेंस रहता है उन तक वेट करने का, इंतजार करने का? अभी रहता है, रहता है, कर लेती हैं अब आप ट्रेड। तो क्या ओवरऑल मंथ में कुछ सपोर्ट कर पाती हैं आप अपनी फैमिली को? हाँ, सपना क्या है आपका, ड्रीम क्या है?
नहीं, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ इसके लिए. मैं पहले भी पार्लर का काम करती थी. हाँ. तो ऐसे मतलब आदत है बिजनेस. हाँ. करना है. आप एक महिला हैं, 6 महीने आपने सीखने की कोशिश की होगी. सुनिएगा ये सवाल मैं आप लोगों की तरफ से पूछ रहा हूँ. आप एक महिला हैं, 6 महीने आपने सीखने की कोशिश की होगी. जाहिर सी बात है जैसा जैसे सबको पहले महीने कुछ नहीं समझ में आता है, आपको भी नहीं आया होगा. वहाँ क्या सोचा आपने, कैसा फील किया? नहीं, पहले महीने में तो डाउट आता था थोड़ा कि ये सही काम करेगा नहीं करेगा. तो मैं पहले जैसे इंडिकेटर के जरिए ट्रेड करती थी, वैसे ट्रेड की है मैंने पहले महीने में. फिर बाद में लॉस हुआ तो फिर स्टॉप किया, स्टॉप कर दिया. फिर पेपर ट्रेड किया और अभी लास्ट मंथ से ही मैंने ट्रेडिंग चालू किया. चलिए बढ़िया है. तो पूरे पिछला मंथ प्रॉफिटेबल था. हाँ, चलिए बहुत बढ़िया. जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए. LTP कैलकुलेटर है इंडिया का मोस्ट एडवांस्ड ऑप्शन चेन स्नैपशॉट डेटा टूल, जिसके थ्रू आप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन को समझ सकते हैं और बाजार के हर रिवर्सल पर पैनी नजर रख सकते हैं. LTP कैलकुलेटर गूगल पर एक टॉप ट्रेंडिंग टूल है.